एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1. साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. यहाँ पर ये साइन का थीटा है, और अगर ये साइन का थीटा है और हमें ये टर्म डिफ्रेंशिएट करनी है, हम इसे y के इक्वल रखते हैं और हम कहते हैं y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो हम लिखेंगे dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x. होगा क्या, साइन के किसी भी थीटा के लिए डिफ्रेंशिएशन होगा cos थीटा, यानी साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन इज नाउ cos x स्क्वायर प्लस 5. ओके, अगर हमने साइन का कॉस में कन्वर्जन कर दिया, हमने इसका डिफरेंशिएशन ले लिया, अब हमें थीटा को भी डिफरेंशिएट करना होगा. सो हमें लेना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. देखिए, आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगाया तो साइन तो बन गया कॉस, लेकिन अंदर जो थीटा है उसका डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर फिर से करना होगा. तो यहाँ बना कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, जो कि बिल्कुल ठीक है, बट इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यहाँ पर दो टर्म्स है, इनको हम सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं. एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो बनेगा 2x, और यहाँ डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो 0, और इसको मैं एक ब्रैकेट में रखती हूँ. अब यहाँ पर तो सिर्फ 2x बचा, तो आपके पास इस ये जो 2x है इसको आप आगे लिख कर आंसर आप ऐसे मेंशन करेंगे 2x इंटू कॉस, और कॉस का थीटा है एक्स स्क्वायर प्लस 5. ये हमारा आंसर होगा.